अब हमारे साथ राणा जी हैं, प्रवासी प्रभारी हैं विधानसभा के। आपसे जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जानना चाहूँगा प्रभारी हैं, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं और किस तरह का कैंपेन आपका चल रहा है? देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में, और आप सब लोगों को ये जानकारी है कि आदरणीय मनोहर जी ने और कैसे ईमानदारी के साथ और अपना 5 वर्ष का जो उनको दायित्व मिला था उसको कैसे जिया है, और लोग इस अंदाज को देख रहे हैं, तो उसी के भांति आज आपको ये जल समूह आपको दिखेगा। जनता के बीच आप जाते हैं, क्या जनता इससे इत्तेफाक रखती है जो आप बातें कहते हैं? बिल्कुल रखती है, न्यायपूर्ण, न्याय संगत और सब चीजों के साथ वो आप सबको देखने में आता है कि हरियाणा का कैसा विकास हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी मंच से बोलने वाले हैं, क्या प्रभाव रहने वाला है वोटरों पर? ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का आप सब लोग जानते हैं, और वरिष्ठ सब लोग कार्यकर्ता हैं, सब देखते हैं चारों तरफ मोदी में हो रहा है, और यहाँ भी भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा की तरह मोदी का ही फैक्टर चलने वाला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों के पालन करते हैं सभी कार्यकर्ता, और उसी के नाते मनोहर जी भी हैं, उसी के नाते मोदी जी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कंचन टीवी से बात करने। तो अब हमारे साथ प्रभारी थे, प्रवासी प्रभारी जो यहाँ पर बनाए गए विधानसभा के, कहते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रभाव है जनता के बीच, मनोहर लाल की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं, और इसी नाते फिर से वो सरकार में आने वाले हैं, फिर से वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा सरकार किसकी बनने वाली है और क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए कंचन टीवी के साथ, कैमरामैन सहयोगी यश कपूर के साथ मैं यशपाल कंचन। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।